अजमेर के रामगंज थाना पुलिस ने लैपटॉप चोरी के मामले में कानपुरा निवासी शाहरुख खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से अन्य वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए थाने के एसआई मणिराम ने बताया कि 31 मई को परिवादी रविंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह रेलवे अस्पताल के पास खड़े थे। इसी दौरान उनका लैपटॉप अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी कर लिया गया। इस संबंध में अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही रेलवे में लगे कैमरे भी देखे गए। आरोपी शाहरुख खान की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी खानपुरा चिश्ती नगर का रहने वाला है, नशे का आदी है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। 31 मई 2023 को गेलू होटल के सामने से दिन में 2:30 बजे के आसपास एक चोरी हुई थी लैपटॉप। उसका मुस्तकीज रविंद्र जी ने रिपोर्ट दी थी, इस पर मुकदमा दर्ज किया था हमने। और रेलवे हॉस्पिटल में जो सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं उनको देख करके चिन्हित कर करके हमने इस मुद्दे को गिरफ्तार किया है। ये शाहरुख खान सोनब असलम है, पहले डिग्गी चौक रहता था, आजकल चिश्ती नगर खानपुरा में रह रहा है। नशे का आदी है, काफ़ी इसने चोरियाँ की है, उस पर पेश की है मैंने। मेरी इस चोरी का जो लैपटॉप था बरामद किया है जी सर। ये एक्टिवा स्कूटी के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ था बैग में, वो लैपटॉप बरामद कर लिया सर। बरामद कर लिया। और भी कोई मुकदमे हैं इसके खिलाफ? मतलब पहले क्या बता रहे हैं, 3 मुकदमे हैं इसके और अभी भी एक मोटरसाइकिल में बरामद करूँगा।